वेलकम गाइस माय यूट्यूब चैनल हार्ट मोबाइल मैकेनिकल ज्ञान भाई। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि जो आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो भाई मेरे चैनल पर जेसीबी का और क्रेन का और ट्रैक्टर का रिपेयर का हर तरह का वीडियो मिलता है। तो आज हमारे पास इसका क्रेन है 9 टन का, तो इसका हम लोग एक्सपोर इंजन है इसमें और स्कॉट भी क्रेन में सेम ही होता है स्कोर का। तो इसका इंजन सर्विस करेंगे, डीजल फिल्टर और ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज करेंगे इसका। तो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बाद में इसको कटाई में कर लेना है मशीन को, हेड्रा को, तो कटाई करके इसको खड़ा कर लेना है और फिर इसका चैम्बर का नाटा वो खोलेंगे इंजन वाल निकालने के लिए। तो भाई जो इसका चैम्बर का नाटा खोल लेना है और खोलने के बाद जो इसका इंजन वाल निकालेंगे पूरी कटाई करेगी। तो इसका जो 16 नंबर का लगता है पाना, इसको 17 का भी लग जाता है 16 का, तो ये इंजन वाल निकलता रहेगा उतनी देर में हम लोग इसका जो है डीजल फिल्टर खोलेंगे। तो ये दोनों डीजल फिल्टर हैं, 1-1 लीटर के होते हैं, तो दोनों को खोल लेना है। तो जब हम लोग डीजल का कुछ भी खोलते हैं, जो जैसे डीजल फिल्टर हो गया या इसका ग्लास भी खोलेंगे डीजल पंप से, तो इसमें 2-13 नंबर का बोल्ट रहता है जो अभी हम लोगों ने खोल के और डीजल ग्लास जो इसका खोल लिया और इसमें से पुराना फिल्टर निकाल लिया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इसमें कचरा लगा हुआ है जो इसमें गाद है जो भर जाता है फिल्टर में। तो इसको जो वाशिंग कर लेना है दोनों ग्लास को, जो डीजल फिल्टर का असेंबली है इसको वाशिंग कर लेना है। डीजल से वाशिंग करके इसके नीचे कचरा जम जाता है, वो इसको वाशिंग करके और साफ कर लेना है। तो इसमें जो है नया डीजल फिल्टर डालेंगे, तो इसको डालने से पहले हम लोग जो इसका रिंग लगा हुआ है असेंबली में पुराना वाला वो निकालेंगे, जो आप नुकीली चीज से निकाल सकते हो या पेचकस से। तो ये जो इसका पुराना वाला रिंग है बहुत ख़राब हो गया, तो बड़ी मुश्किल से निकल गया, तो प्रेस हो जाता है ये। तो इसका जो है हम लोग नया रिंग लगाएंगे। तो इसका नया रिंग लगाने से पहले जो इसका ग्लासी होता है डीजल वाला, डीजल पंप में लगा होता है जो, तो उसको खोल लेना है। तो इसके अंदर एक छोटा फिल्टर रहता है जाली वाला फिल्टर जाली, तो इसको नया लगाना, नया भी लगा सकते हैं पर इसको वाशिंग भी किया जाता है, तो वाशिंग करके जो है साफ हो जाता है ये। तो हम लोग इसको पानी मार के वाशिंग करके लगाए हैं, जो कचरा है बस वही निकाल देना इसमें से। तो इसको वैसे ही लगा देना जैसे हम लोग खोले हैं। तो भाई इसको हाथ से टाइट करने के बाद इसको प्लास से टाइट कर लेना, हम लोग इसको प्लास की हेल्प से टाइट करेंगे। तो भाई ग्लासी लगाने के बाद इसका जो ऑयल फिल्टर है अभी हम लोग उसको खोलेंगे, जो ये खोलना है फिल्टर क्लंप की हेल्प से खोलेंगे।
इसको खोलने से पहले इसके नीचे रख लेना है कुछ तगाड़ी वगैरह, तो जो इसमें से वाला आएगा तो उसमें गिर जाएगा। तो भाई जो इसका ऑयल पेट्रोल लगाएंगे, अभी हमारे पास जी मास्क का वो है अवेलेबल है, तो ये बहुत तरह का आता है, बहुत कंपनी का बनाते हैं जो, तो अलग अलग चाइना का कंपनी भी होता है, तो जो इसका साइज होता है वो सेम होता है, तो इसका जो कंपनी का वही चेंज रहता है, तो इसका साइज आपने सही देख कर लगा देना है। तो भाई जो हमारा ऑयल फिल्टर है वो लग गया है, तो इसको फुल टाइट कर देना है। एक ध्यान रखना है, जब हम लोग इसको टाइट करते हैं तो चाहे हमारे पास फिल्टर क्लंप है तो इसमें बेंड पड़ जाता है जब हम लोग ज़्यादा जोर से लगाते हैं, तो ये ध्यान से लगाना है। हम लोग इसका जो गत्ते का पैकिंग डाल के इसमें तो आराम से लगाए हैं, तो इसमें कोई बैंड नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई जो ऑयल फिल्टर लग गया, उसके बाद जो हम लोग इसका डीजल फिल्टर खोले थे वो वॉशिंग करके रखा था, ग्लास असेंबली है जो इसका, तो उसमें जो नया फिल्टर है वो लगाएंगे। तो फिल्टर लगाने से पहले इसका जो हम लोग पुराना रिंग निकाले थे उसकी जगह पर नया रिंग लगा रहे हैं असेंबली में, तो इसको अच्छे से बिठा देना है, तो इसको चेक भी कर लेना है एक बार बैठा के, ताकि जो इसमें बल पड़ जाता है कभी कभी, तो जो हम लोग असेंबली लगाते हैं तो सही से नहीं बैठता। तो वही रिंग बिठाने के बाद इसका जो फिल्टर है वो लगाएंगे। तो इसको लगाना कैसे है इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है, जो हम लोगों ने भी इसमें फ़िल्टर डाला है ग्लास में, तो वो धागे वाला है कपड़े का फिल्टर है वो, तो उसको हम लोग वहाँ पे लगाना चाहिए, कोई भी हाइड्रा हो या कोई भी जेसीबी हो हमारा, जैसे इसके जैसा कोई फिल्टर लगा होगा, तो इसमें दो फिल्टर रहते हैं, तो एक नंबर पे उसको लगाना है जो धागे वाला होता है, एक गत्ते वाला रहता है इसमें, तो जो धागे वाला फिल्टर होता है वो उधर को लगाना है जहाँ से हमारा तेल आता है, फीड पंप वाला पाइप जहाँ पे आकर लगता है, यहाँ से तेल इन होता है फिल्टर में, उस साइड में वो फिल्टर लगाना है, ये बात ध्यान रखने वाली होती है। तो उसके बाद जो दूसरा फिल्टर है वो भी हम लोग लगा दिए हैं, उसमें गत्ते का फिल्टर रहता है, तो एक कपड़े का और एक गत्ते का फिल्टर होता है, दो फिल्टर होते हैं। तो भाई अभी हम लोग इसको लगाने के बाद फुल टाइट नहीं करना है, तो थोड़ा थोड़ा नट बोल्ट ढीला रखेंगे 13 नंबर का जो, तो अभी इसको हम लोग हैंड पंप मारेंगे, तो हैंड पंप मारने से पहले इसका जो डीजल टैंकी से है वो खोल देना है, वाल्व खोल देना है, तो जो हमारा डीजल है जो खुल जाएगा, तो वहाँ से फीड पंप है जो हैंड पंप करेंगे तो जो फिल्टर में डीजल आ जाएगा। तो भाई हम लोग तो अभी इसको हैंड पंप मार के भर रहे हैं, तो अगर आपके पास ओपन तेल ऑयल पड़ा है, डीजल पड़ा है ओपन, तो इसमें फिल्टर असेंबली में भर के इसको फिर लगा सकते हो, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम आप लोग ऐसे करना चाहते तो ऐसे लगा दे, तो जैसे हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, तो इसका खाली फिल्टर लगा कर अभी इसको हम लोग टाइट नहीं किए हैं, हैंड पंप कर रहे हैं, तो इसमें 2 से 3 मिनट लेता है, तो वो हैंड पंप काम करने के ऊपर होता है, जो अच्छे तरह से काम करता है जिसका, तो वो जल्दी भर देता है, और जो पंप डाउन होता है हैंड पंप उसमें टाइम लग जाता है। तो हैंड पंप करना है इसको जब ये भर जाएगा, जहाँ से अभी डीजल आ गया आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पहले उधर वाला भरा, फिर उसके बाद ये इसमें डीजल आया, दोनों फिल्टर भर गया, तो अब इसको जो 13 नंबर का बोल्ट हम लोग डीला रखे थे उसको टाइट कर देना, तो वह इसको फुल टाइट कर देना दोनों को, ताकि जो जहाँ से एयर लेने की प्रॉब्लम है जो ना आए। तो वह इसको टाइट करने के बाद भी हम लोगों को हैंड पंप करना है, तो हैंड पंप मारना है तो उतनी देर मारना है जब ये टाइट हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तभी इसको लगा देना है फिर से। तो अभी हमारा जो है ऑयल फिल्टर भी लग गया, डीजल फिल्टर भी लग गया, और इसका जो चैम्बर का नट खोले थे उसको टाइट कर देना है, और हमारा जो ऑयल है वो निकल गया पूरा, इंजन ऑयल पुराना वाला।
तो इसको फुल टाइट कर देना ताकि जो जहाँ से लीकेज की प्रॉब्लम ना रहे। तो भाई इसको टाइट करने के बाद जो हम लोग अभी इसका इंजन ऑयल डालेंगे, तो इंजन ऑयल जो टैप्ड कवर होता है वहाँ पे उसका कैप लगा रहता है, हम लोग इसका शो लगा हुआ उसके बीच में से कीप रख रहे हैं। कीप इसमें यही टिकेगा, बोतल आप लोगों ने काप लेना है, कोई बोतल है जो पानी वाला, तो वहाँ से रख के पूरा सीधा रखा जाता है उसमें। तो यहाँ से हम लोग इंजन ऑयल डाल रहे हैं। तो वही जो इसकी हेडर आएगी, पहले भी मैंने बताया था, चाहे इसका हेडर हो चाहे स्पोर्ट का हो, और S4 इंजन रहता है इसमें, दोनों में प्रोसेसर सेम रहता है सर्विस करने का। तो अब इसका जो इंजन ऑयल है वो 20-40 का पड़ेगा, VW40 का, तो विदाउट टर्बो है जो इंजन, टर्बो में 15W40 पड़ता है। तो जो ये इंजन है S4 का, ये विदाउट टर्बो है, तो इसमें 20W40 पड़ेगा। तो 20W40 का आप कोई भी कंपनी का डाल सकते हो। तो गाइस ये एक बात है जी इसमें रहता है कि जो भी हम लोग पहले से तेल जो ऑयल यूज कर रहे हैं इंजन वाला, हम लोगों को वही डालना चाहिए ताकि जो इंजन का क्वालिटी है बना रहता है। तो अगर इसमें हम लोग चेंज करते रहते हैं, कभी कौन सी कंपनी का डाल दिया, तो उसमें हमारी जो इंजन की है क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो गाइस ये हमारे पास 10 लीटर का पैकिंग था, इसमें तकरीबन 8.5-9 लीटर के करीब पड़ेगा। तो आप लोग इसमें कुछ ऑयल डालकर 8 लीटर ऑयल डालकर उसके बाद गेज लगाना शुरू कर दें। तो गेज कपड़ा मार कर लगानी है, तो उसके बाद इसको चेक करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे। तो इसमें गाइस दो निशान रहते हैं गेज में, तो इसमें दो निशान रहेंगे, तो हम लोगों ने दूसरे निशान पर रखना। तो अभी थोड़ा डाउन दिखा रहा है, तो अभी हम लोग जो इससे मैं इंजन वाला है और डालेंगे। तो वही इसमें जो इंजन वाला है और डालेंगे, और इसमें दोबारा चेक कर रहे हैं, तो तकरीबन पूरा हो रहा है। तो वही ये अभी जो हम लोग कर रहे हैं, ये गेज में आपको दिख रहा है ना, गेज आराम से बढ़ रही है, आराम से निकल रही है। तो इसको थोड़ा टाइट रहना चाहिए ताकि जो वाइब्रेट की वजह से ऊपर नीचे ना हो, ढीली रहती है। तो ये भी बात ध्यान में रखने वाली होती है हमारे पास, ये देखते हैं ऑपरेटर भाई देखते हैं कि गेज ढीला है, तो इसको इस तरीके से खोल देना है, यहाँ से डबल होता है ये, ऊपर से इसको पेचकस डालकर खोल देना, और जब इसको हम लोग उसमें लगाएंगे चैम्बर में, तो ये टाइट रहेगी, उसमें ढीली नहीं रहेगी, अभी टाइट होगी या पूरी। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग अपने वीडियो में बताते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, तो अगर चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वह इसमें तकरीबन इंजन वाला है जो पूरा हो चुका है। तो इंजन वाला पूरा करने के बाद गाइस यहाँ से हम लोग इसका एयर फिल्टर खोल रहे हैं। तो जो एयर फिल्टर है इसमें ऑयल वाला है, तो किसी किसी में एयर वाला होता है। तो अभी ऑयल फिल्टर को कैसे वाशिंग करना, जो इसका जो पुराना वाला ऑयल है, इंजन ऑयल डपटता है इसमें भी, तो उसको निकाल के इसको जो जाली है इसको डीजल से वाशिंग कर देंगे। तो भाई जितना अच्छे से हो सके इसको वाशिंग कर लेना, आप लोग प्रेशर से वाशिंग कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने डीजल से वाशिंग करके उसको प्रेशर से वाशिंग कर दिया, उसको जो जाली से है वाला निकाल दिया गंदा वाला। तो अभी इसको वाशिंग करने के बाद जहाँ पे इस पर निशान दिया हुआ था जो इसका चैम्बर है, तो उस निशान तक इसमें जो इंजन ऑयल डालना है, यहाँ पर इंजन ऑयल ही पड़ जाता है इसमें, मुगल ऑयल जो इंजन ऑयल होता है। तो तकरीबन इसमें जहाँ पे निशान लगा होता है वहाँ से इसको कर लेना, हाफ तक रहेगा। उसके बाद जो इसका जाली है फिल्टर जाली, तो इसका जो रिंग है हम लोग निकाल देते हैं वॉशिंग करने के टाइम, तो इसका जो रिंग है लगा देना, रिंग लगा कर है जो असेंबली में इसको चैम्बर में रख देना जाली को। इसको रखने के बाद हम लोग जो असेंबली है इसका पूरा फुल, उसमें इसको लगा देंगे जाली को, चैम्बर को, फिल्टर को उसमें लगा देना।
तो वही यहाँ पे इसको लगाने से पहले अंदर से इसको साफ कर लेना है, मिट्टी जम जाता है उसमें, तो हम लोगों ने कर दिया था। अब इसका क्लंप है जो लगा देना। तो वही अभी हम लोग सर्विस कंप्लीट हो गया, तो अभी हम लोग जो इसको स्टार्ट करेंगे, तो वही स्टार्ट करने से पहले अभी हम लोगों को इसका हैंड पंप एक बार फिर मारना पड़ेगा, थोड़ा राउंड ले रही है तो इसका हैंड पंप मारेंगे। तो वही इसका हैंड पंप करते रहना चाहिए, थोड़ा भारी हो जाएगा फिर इसको स्टार्ट करेंगे, फिर सर्फ मारना है जब थोड़ा भारी हो जाएगा। तो वही क्रेन का तकरीबन हमारे चैनल पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो लिफ्ट जैक का सील का और स्टेयरिंग जैक सील का। तो वही हमारा हेडर स्टार्ट हो गया। तो भाई ये अभी एक बात और ध्यान रखने वाली होती है, जैसे हमारा जो पंप है हम लोग इसके ऊपर उंगल रखते हैं तो ये हमारे उंगल को ऊपर उठाता है जब हम लोग एक्सीलेटर लेते हैं। तो इसका उठाने का ये बता रहे हैं हमको कि ये पूरा सही वर्क कर रहा है, कहीं से कोई भी हमारा जो लूज नहीं है डीजल कनेक्शन, ताकि जो अगर लूज रहता है तो एयर लेता है, अगर एयर लेगा तो ये पंप है जो अंदर को खींचेगा, हम लोग इसके बाहर को उठाएंगे तो ये अंदर को खींचेगा, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम रहती है। तो वही इसका जो लिफ्ट जैक का सील ये हम लोग डाले थे, उसका वीडियो मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, बाकी इसके बाद उसको डाल दूँगा वीडियो को, वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो वही एक दो दिन में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो इसका लिफ्ट जैक का जो सील हम लोग वो भी डाले हैं, तो कैसे तो वही हमारे चैनल पर इसका क्लच